कि आज हम शहीद आजम भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पर एक शाम शहीदों के नाम इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ये अपील है कि भगत सिंह जी के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेके आज जो हमारे सामने इस स्टेट में या देश में जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने के लिए कुछ कर सकें उसकी ओर। नहीं, देखिए, जिस तरीके से मतलब मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लेके पावर में आए सेंटर में, और एक तरफ पूरे के पूरे जो पाटीदार गुजरात में खड़े हो गए तो उनके पूरे के पूरे आंदोलन को किस तरीके से दबाया गया, उसके बाद किस तरीके से मतलब दलित भाइयों की आवाज़ को जब वो खड़े हो रहे हैं तो किस तरीके से दबाया जा रहा है। तो ये जो मोदी जी का गुजरात मॉडल है, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ये जो सप्रेस करने का, आवाज़ों को दबाने का जो उनका तरीका रहा है, उनका जो गुजरात का मॉडल रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब इस देश ने 56 इंच के आदरणीय महोदय को इसलिए चुना था ताकि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे, उनको इसलिए नहीं चुना था कि एक ऐसे प्रदेश की सरकार के एमएलएज को अरेस्ट करने में अपनी बहादुरी दिखाएं कि जो वहाँ के प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है, वहाँ की बेसिक सुविधाओं के लिए काम कर रही है, वहाँ के लोगों के लिए बिजली के रेट आधे कर रही है, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है, ना कि किसी बिजनेसमैन अडानी या अंबानी। नहीं, देखिए, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी अभी कुछ दिन पहले एक अपने संदेश के माध्यम से कही थी कि भाई हम अपनी पार्टी में जब किसी को लेके आते हैं तो उसकी जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं, भाई उसने कोई पैसा तो नहीं लिया कभी, कोई करप्शन तो नहीं किया, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। तो लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हमारे सामने आता है तो यही बाकी पार्टियों में हम में फ़र्क है कि उस पर एक्शन लेने में हम 2 मिनट भी नहीं लगाते, जबकि बाकी पार्टीज उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना के रहे। बिल्कुल, देखिए, हमें भगत सिंह जैसे शहीदों के बलिदान से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरीके से उन्होंने 23 से 24 साल की उम्र में इस देश के लोगों के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए मतलब हंसते हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, तो उससे कुछ प्रेरणा लें और हम भी इस देश के लोगों की भलाई के लिए